अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड गुड। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज गुड मैसेज इज अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक। ओके, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 33। Yesterday we have started our new chapter. The title was How I Have Suffered. Yes, all of you write date in your page 33 and 34. Okay, I'm calling your names. All of you must turn on your video and show me that all of you are having your books in front of you or not. Yes, Fahad, Hafsa Umar, Haris Safdar, Khatija Osman Khan, मुअज़्ज़म सेठी, सुहेल एंड हाशिर। यस बच्चे, ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 33, राइट डेट एंड डे ऑन पेज 33 एंड 34। ओके यस, हु इज गोइंग टू समराइज प्रीवियस लेक्चर? कौन बताएगा अपने वर्ड्स में कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा बता दें। 2-3 lines would be enough. Yes, anyone who wants to summarize कि कल हमने क्या पढ़ा था? If not, then I would summarize the page for you. Yes, anyone wants to summarize the previous lecture or not? No? No one is there? Okay. Fahad bache, turn on your video. Okay, I will summarize. Listen carefully, those who were absent yesterday, तो अभी focus करें, आपको clear हो जाएगा कि इसमें क्या था, ठीक है? Okay, as the title is How I Have Suffered. Suffered, the meaning of suffered was बर्दाश्त करना, tolerate, ठीक है? Tolerate करना, बर्दाश्त करना. So, ये किसके बारे में था? ये एक वुमेन जो है आपको बता रही है, एक स्टोरी बता रही है, अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी बता रही है। दैट दे यूज़ टू कीप अ हाउस कीपर इन देयर हाउस, ठीक है? एक हाउस कीपर होती थी उनके साथ एंड हर नेम वॉज मेटा। ओके, रिमेंबर द नेम, हर नेम वॉज मेटा। देन वॉट हैपन टू हर, शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट वुमेन। ओके, शी वॉज अ ब्यूटिफुल बट वेरी स्ट्रिक्ट वुमेन एंड हर पर्सनैलिटी वॉज वेरी इम्प्रेसिव। उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, वो खूबसूरत भी थी, लेकिन वो जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। ओके, एंड आगे मैंने आपको बताया था कि शी वॉज फ्रॉम जर्मनी इन द 1920s, ठीक है? शी केम फ्रॉम जर्मनी इन 1920s, बट उसने 40 ईयर्स जो है गुजारे थे यू एस में उसने 40 ईयर्स गुजारे थे। स्टिल शी बेयरली स्पीक इन इंग्लिश। ओके, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसकी जो लैंग्वेज थी वो एज़ कम्पेयर टू जर्मनी में वो अच्छा बोल लेती थी, जो भी लैंग्वेज होती थी, ठीक है, वहाँ की। लेकिन US में 40 ईयर्स के बाद स्टिल शी वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक सॉफ्टली इन इंग्लिश। ओके, उसको जो है प्रॉब्लम्स होती थी वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स दिस वन पैराग्राफ। यस, यहाँ पे सब देखें यहाँ से। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। I always remember her as being dried up and old like a piece of yellow rice paper. Yet she was constantly reminding us of how beautiful she had been as a girl. Okay, the woman is now describing Meta's personality. Okay, उसकी personality, और वो बता रहे हैं आपको कि क्या हुआ था। ये जो woman आपको story बता रही, she is saying कि मुझे याद है मैंने उसे बूढ़ा होते देखा है, क्योंकि ये जो वुमेन थी ये काफ़ी छोटी थी, ये भी पैदा भी नहीं हुई थी जब इनकी हाउस कीपर जो मेटा थी इनके साथ तब से थी। ओके, तो वो कह रही है कि जब मैं बड़ी होने लगी तो मैंने उसे बूढ़ा होते जब देखा तो वो काफ़ी जो है बिल्कुल कैसी हो गई, पीस ऑफ येल्लो राइस पेपर ऐसे बन गई, ठीक है? लेकिन नो डाउट, मतलब कोई इसमें शक की बात नहीं है कि जब वो यंग थी, वो एक लड़की थी, ठीक है, गर्ल थी, तो तब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ओके, She insisted that our family made her thin and ugly. Okay, insisted का मतलब है, आप insisted का meaning लिखें, इसरार करना। Yes, write down the meaning of insisted.
इसरार करना. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेटा थी शी ऑलवेज़ यूज़ टू से कि मैं आपकी जो फैमिली है यहाँ पे काम करते करते मैं जो है बदरंग हो गई हूँ और मैं जो है क्या हो गई हूँ बूढ़ी होती जा रही हूँ. ठीक है, उसने ये बोला था कि इनकी फैमिली के बारे में कि मैंने आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, दैट इज़ वाई मेरी जो सारी खूबसूरती थी वो फेड हो गई. ठीक है, वो ख़त्म हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वैनिश हो रही है, यानी वो ख़त्म हो रही है. ठीक है, ये कौन कहता था? मेटा यूज़ टू से दीज लाइन्स. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, स्पेशली माई ओल्डर ब्रदर एडवर्ड एंड मी. ओके, और उसने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे तंग किसने किया है? स्पेशली कौन? एडवर्ड एंड मी. मी कौन है यहाँ पे? मी ये ऑथर है, ये जो आपको वुमेन ये स्टोरी बता रही है वो अपने बारे में कह रही है कि मैंने और मेरे भाई ने ओल्डर ब्रदर मींस कि उससे बड़ा भाई थे. ठीक है, हम दोनों की वजह से वो ये सोचती है कि मेरी जो सारी खूबसूरती है वो इनकी टेंशंस और इनके घर के काम कर करके वो फेड हो गई, ख़राब हो गई. ठीक है, वी हैड मेल्टेड अवे द वेरी फ्लैश फ्रॉम हर बोन्स. फ्लैश का मतलब है गोश्त. राइट डाउन द मीनिंग. ओके, वी हैड मेल्टेड अवे द वेरी फ्लैश फ्रॉम हर बोन्स. अच्छा, मेटा का ये कहना है, वो ये कहती है कि मेरे जो हड्डियाँ थी उससे सारा गोश्त जो है वो ख़त्म हो गया, मेल्ट हो गया. ओके, किसकी वजह से? एडवर्ड की वजह से, जो इसका भाई ऑथर का जो ओल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई जो था, और ऑथर की बात यहाँ हो रही है कि इन दोनों ने मुझे इतना तंग किया, इनकी देखभाल लुक आफ्टर करते हुए मुझे इतने साल हो गए, स्टिल मेरी जो खूबसूरती सारी थी वो इनकी वजह से क्या हो गई? फेड हो गई. ओके, She would cry, rolling her eyes and lifting her hands. How I have suffered here. के यहाँ पे अब कहा जा रहा है, ऑथर कह रही है कि वो हमेशा रोती थी, अपनी आंखें मल रही. रोलिंग का मतलब अपनी आंखें मलना, जब आंसू निकल रहे हो ना, आंखें जो इंसान मलता है उसको कहते हैं. सो मेटा यूज़ टू रोल हर आइज़. ठीक है, वो हमेशा रोते हुए अपनी आंखें रोल करती थी एंड हमेशा ये बात करती थी कि हाउ आई हैव सफ़र्ड हेयर, कि मैंने यहाँ कैसे गुजारा किया या मैंने यहाँ कैसे इतने साल बर्दाश्त किया है. शी यूज़ टू से दिस. ओके, येट शी स्टेड ऑन फॉर 34 कंप्लेनिंग ईयर्स. अच्छा, हर वक्त शिकायत भी करती थी. आप लोग सोच रहे होंगे कि वो छोड़ देती यहाँ पर, लेकिन क्या था, स्टिल वो हमेशा क्या करती थी, कंप्लेन करती थी फॉर 34 ईयर्स. 34 ईयर्स तक इनके घर काम किया है और स्टिल जॉब नहीं छोड़ी, वो काम करती रहती थी बट विद अ कंप्लेन. ओके, हमेशा उसकी एक ही कंप्लेन होती थी कि हाउ आई हैव सफर्ड हेयर, कि मैंने यहाँ कैसे गुजारा किया है. माई मदर वॉज स्पैनिश. ओके, ये किसकी मदर की बात हो रही है यहाँ पे? ऑथर की मदर. माई मदर वॉज स्पैनिश एंड हर इंग्लिश वॉज ऑलमोस्ट एज पुअर एज मेटास. ओके, जो इसकी मदर थी ऑथर की, सो शी यूज़ टू स्पीक स्पैनिश. ओके, इट्स अ लैंग्वेज, तो वो स्पैनिश बोलती थी और उनकी भी इंग्लिश इतनी ही ख़राब थी जितनी कि मेटा की थी. इट इज़ वन ऑफ लाइफ्स मिस्ट्रीज हाउ दे मैनेज्ड टू कन्वर्स. मिस्ट्रीज का मीनिंग है आपके पास सीक्रेट्स, राज. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ मिस्ट्रीज, राज. एंड कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्जेशन से निकला है ये वर्ड, इसका मतलब है आपके पास गुफ्तगू करना, बातचीत करना. ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर कह रही है कि मेरी जो मदर थी वो स्पेनिश बोलती थी, शी यूज़ टू स्पीक स्पेनिश, और उनकी इंग्लिश भी इतनी ही ख़राब थी एज़ मेटास. ठीक है, जो मेटा की इंग्लिश थी उसकी तरह उनकी भी इंग्लिश वीक थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक थी. ठीक है, और ये एक राज की बात है जो कि वो यहाँ बता रही है. ठीक है, क्योंकि अपनी मदर के बारे में वो बता रही है कि ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि हर एक को नहीं पता कि मेरी मदर इंग्लिश नहीं बोल सकती, बिकॉज शी यूज़ टू स्पीक स्पैनिश. ओके, एंड कन्वर्स कहते हैं गुफ्तगू. मैनेज टू कन्वर्स का मतलब कि वो किस तरह मैनेज करती थी अपनी बातचीत, अपनी कन्वर्जेशन विद पीपल. ठीक है, कि लोगों को पता ना चले कि उसको इंग्लिश नहीं आती. ओके, ऑफन माई ब्रदर एंड आई वुड जोक अबाउट मेटास. टर्न योर पेज, कम टूवर्ड्स पेज 34. ओके, अबाउट मेटास इंग्लिश. ओके, यहाँ पे ऑथर कह रही है कि मैं और मेरा जो भाई था, हम हमेशा जो आप हमारी हाउस कीपर थी, मेटा की बात यहाँ हो रही है, तो उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ाते थे. ठीक है, येट वंस वेन आई लाफ्ड एट समथिंग माई मदर हैड सैड, मेटा गेव मी अ टंग लैशिंग स्कोल्डिंग आई नेवर फॉरगॉट. टंग लैशिंग का मीनिंग आपके पास इस येलो ब्लॉक में लिखा हुआ है, लुक एट दिस. मेटा वॉज वेरी एंग्री एंड स्कोल्डेड द राइटर फॉर हर रूडनेस. स्कोल्डेड कहते हैं डांटना. ठीक है,
एक इंसान को जब आप डांटते हो उसको कहते हैं स्कोल्ड, ओके, स्कोल्डेड, ये स्कोल्डिंग, डांटना. सो यहाँ पे आपके पास ऑथर इज सेइंग कि वंस क्या हुआ कि मैं और मेरा जो भाई था, हम वी वर मेकिंग फन ऑफ मेटास इंग्लिश, हम उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे थे. सो वो इतना गुस्सा हो गई, उसने हमें बहुत ज़्यादा क्या किया, हमें बहुत ज़्यादा डांटा. ओके, आई नेवर फॉरगॉट, मतलब इतना ज़्यादा डांटा कि मैं उसको भूली नहीं हूँ अभी तक. शी इज़ योर मामा, शी क्राइड हीटेडली, मतलब वो गुस्से से इंसान जो पागल हो रहा होता है उसको कहते हैं हीटेडली. वैसे तो हीट का मतलब है गर्म, ठीक है, लेकिन गुस्से में इंसान, आपने कभी देखा है इंसान जो है बहुत ज़्यादा जब पीक पे उसका गुस्सा चला जाए तो उसका फेस सारा रेड सा हो जाता है, वो थोड़ा सा हीट कर रहा होता है, तो उसको उसकी बात यहाँ हो रही है कि वो काफ़ी गुस्से में हमें कहती है. ओके, इसकी जो मदर है वो भी तो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, राइट. सो ऑथर ने, ऑथर इज सेइंग कि हम उनका मजाक उड़ाए थे, तो मेटा ने क्या कि एकदम स्कोल्ड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और हमें कहा कि शी इज़ योर मामा, शी क्राइड हीटेडली, गुस्से से वो क्राइड का मतलब यहाँ रोना नहीं, क्राइड का मतलब चीखना, गुस्से से वो चिल्ला के कह रही थी, यू नो मेक फन ऑफ द वे शी टॉक, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर हर, यू हेयर मी, गुड इंग्लिश, नो मेक अ गुड मामा. ओके, नाउ शी इज़ सेइंग कि जो भी है, चाहे वो आपकी मामा इंग्लिश बोल सकती है या नहीं बोल सकती, बट शी इज़ योर मदर, एंड आपके दिल में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और आप उसका इस तरह से मजाक नहीं बना सकते. अंडरस्टूड? ये किसने कहा? ये उनकी जो हाउस कीपर थी, मेटा की बात यहाँ हो रही है, उसने बोला था. ओके, ओके, मेटा फॉट विद एवरीबडी, माई ब्रदर, मी, एट टाइम्स इवन माई पेरेंट्स, ओल्ड मेड ग्रम्प, द नेबरहुड चिल्ड्रन कॉल्ड हर, शी वॉज डिफ़िकल्ट टू प्लीज. ओके, यहाँ पे क्या होता था कि मेटा की बात हो रही है कि शी यूज़ टू फॉट विद मी, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, कि वो हमेशा हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ती रहती थी हम सब से, ठीक है, हम सब से बहुत ज़्यादा फाइट्स करती रहती थी. एंड क्या होता था, द नेबरहुड चिल्ड्रन कॉल्ड हर मेड ग्रम, उसको जो है गुस्से से मेड ग्रम का मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एक इंसान रूड होता है, आपके पास एरोगेंट होता है, उसको कहा जाता है कि लोग उसको क्या कहते थे कि जो नेबर्स थे हमारे, दे यूज़ टू कॉल हर मेड ग्रम. मेड जो है सर्वेंट को कहते हैं, यानी जो सर्वेंट होता है, वो तो सर्वेंट थी, एज अ हाउस कीपर शी वॉज वर्किंग इन देयर हाउस, एंड ग्रम का मतलब है कि शी वॉज वेरी रूड, ओके, स्ट्रिक्ट थी काफ़ी. ओके, शी वॉज डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, प्लीज़ का यहाँ मतलब है खुश होना, मतलब वो उसको खुश करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, वो खुश नहीं होती थी, ठीक है, किसी भी कीमत पे, किसी भी चीज़ से. एट क्रिसमस एंड ऑन हर बर्थडे वी यूज़ टू गिव हर स्कार्फ्स, ग्लव्स, नाइट गाउन्स, वंस आई रिमेंबर अ ब्यूटिफुल स्पेनिश शॉल, बट शी वुड मेयरली अनरैप ईच गिफ्ट. ओके, दे आर सेइंग कि क्या होता था कि हम लोग अक्सर उन्हें बर्थडे पे या क्रिसमस हो गया या कोई और इवेंट होता था तो वी यूज़ टू गिव हर गिफ्ट्स, हम उनको गिफ्ट्स देते थे, कभी शॉल, कभी ग्लव्स हो गए, कभी जो है कुछ कुछ भी हो सकता है. ओके, समथिंग लाइक शी वुड लाइक, बट क्या हुआ, शी मेयरली अनरैप ईच गिफ्ट, वो मेयरली का मतलब है बहुत मुश्किल से, महज, ओके, वो बहुत मुश्किल से ही कोई गिफ्ट जो है क्या करती थी, खोल पाती थी, ठीक है, कोई भी गिफ्ट जो है वो बहुत मुश्किल से ही ओपन करती थी. अनरैप का मतलब है टू ओपन. ओके, एंड abruptly पुट इट अवे, abruptly मीन्स सडनली, मतलब बस मुश्किल से ही वो खोलती थी कोई गिफ्ट, और अगर खोल भी लेती थी इन केस तो वो जो है बस जल्दी से रख लेती थी, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गिफ्ट्स. ओके, आई नेवर रिकॉल हर वेयरिंग एनी ऑफ दैम इवन वंस. अच्छा, उन्हें ये लोग कह रहे हैं, ये राइटर जो है यहाँ पे ये कह रही हैं कि मैंने उनको शॉल्स भी गिफ्ट की थी, बहुत सारी मैंने चीज़ें गिफ्ट की थी, लेकिन मैंने कभी एक दफ़ा ज़िंदगी में नहीं देखा कि उसने मेरा कोई गिफ्ट या मेरी मम्मा ने अगर कोई गिफ्ट दिया हो, किसी ने भी दिया हो, तो वो गिफ्ट कभी भी यूज़ किया हो या पहना हो या कुछ भी किया हो, ठीक है, नेवर इवन वंस, एक दफ़ा भी नहीं. ओके, आफ्टर अ वाइल We discovered that money was the only present she really wanted. Okay, देख, इंसान की अपनी पसंद होती है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, ठीक है, तो मेटा की पसंद क्या थी, शी वॉन्टेड मनी, उसको हमेशा शौक था पैसे का, ठीक है, पैसे कमाने का और पैसे सेव करने का, ठीक है. सो इनको ये बाद में पता लगा कि हमारे इन गिफ्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज शी वॉज हैविंग लव फॉर मनी, वो जो है पैसे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत उसके दिल में थी, बाकी इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है. ओके,
Cash, it seemed, was the one thing Meta truly respected. Okay, so cash की वो बहुत ज़्यादा, यानी पैसों की वो बहुत ज़्यादा respect करती थी, इज्जत करती थी, क्योंकि उसे एक यही चीज़ थी जो उसे खुश करती थी. ठीक है. Okay, so I hope this is enough for today. Your class is over and आपने क्या करना है, you have to study this. Okay, take care of yourself, stay safe, Allah Hafiz.